कैंट थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गब्बर कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान गब्बर कुमार पुत्र राम सिंहासन निवासी भैरवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि थाना कैंट क्षेत्र में भिन्न भिन्न तिथियों में चोरी नकबजनी की घटनाएं कारित हुई थी, जिनके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी विवेचना से तीनों घटनाओं में गैंग लीडर धीरू पासवान पुत्र स्वर्गीय विंध्याचल पासवान निवासी धोबी चोला दिव्यनगर थाना कैंट जनपद गोरखपुर व उसके गैंग के सदस्य दूसरा अभिषेक सिंह पुत्र प्रद्युमन सिंह निवासी काली मंदिर के पास ग्राम भैरवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, तीसरा गब्बर कुमार पुत्र राम सिंहासन निवासी भैरवपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर, चौथा चंदन वर्मा पुत्र विश्वनाथ वर्मा निवासी ग्राम रमुआपुर थाना पिपराय जनपद गोरखपुर संलिप्त पाए गए थे, जिनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त गैंग के सदस्यों द्वारा लगातार कैंट थाना क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधाओं व आर्थिक लाभ के लिए चोरी नकबजनी की घटनाएं कारित की जा रही थी तथा जिनका समाज में भय व्याप्त है, इनके आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने व प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई हेतु थाना कैंट पर यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अंजनी यादव, कांस्टेबल कविंद्र कुमार, संजय कुमार यादव शामिल रहे। Thank you.